फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बनाने वाले हैं बिग साइज कारपेट। ये कारपेट हम विदाउट क्रोशिए के बनाने वाले हैं। तो मेरे पास पड़ी हुई थी ये कॉटन की पुरानी साड़ी, इसको मैंने इस तरह से थिक लेयर में कट कर लिया है। आप इसकी जगह कोई भी पुरानी साड़ी, दुपट्टे, पुराने कपड़ों का यूज इसमें कर सकते हैं। कारपेट बनाने के लिए हमें थिक लेयर कट करनी है और इन लेयर्स को मैंने इस तरह से बॉल में कन्वर्ट कर लिया है। अभी हम एक बॉल को साइड में रख देंगे और कारपेट बनाना शुरू करते हैं। तो ये कारपेट हम फिंगर की मदद से बनाने वाले हैं। तो हम लेयर को इस तरह से थ्री फिंगर पर लपेट लेंगे इस तरह से, और एक सर्किल जैसा बना के हम रेडी कर लेंगे। तो ये सर्किल हमारा बन गया है। अभी हम फिंगर की मदद से इसको बनाने वाले हैं। तो फिंगर को हम इस सर्किल में इस तरह से डालेंगे और जो लेयर है उसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो एक घेरा हमारा बन के रेडी हो गया। अभी हम फिर से लेयर को इस घेरे में डालेंगे और फिंगर को फिर से इस सर्किल में डालेंगे और लेयर को हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे टू घेरे बन गए हैं। अभी हमें फिर से लेयर को इन घेरों में से बाहर निकालना है। तो इस तरह से हम लेयर को इन घेरों के अंदर से बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। अभी हमें फिर से फिंगर को इस सर्किल में डालना है और लेयर को बाहर निकाल लेना है। अभी हमें फिर से इस लेयर को इन टू घेरों के अंदर से बाहर निकालना है इस तरह से। अभी हम फिर से फिंगर को इस सर्किल में डालेंगे और ये हमारे टू घेरे बन गए हैं। अभी हमें इन टू घेरों में से इस लेयर को बाहर निकालना है इस तरह से। तो बस यही प्रोसेस हमें इस वन सर्किल में कंटिन्यू करना है। तो ये वन सर्किल जो हमारा है इसको हम पूरा कंटिन्यू करते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट सर्किल हमारा कंप्लीट हो गया है और ये घेरे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन घेरों में से हमें दूसरा वाला सर्किल भी कंप्लीट करना है। तो प्रोसेस हमारा वही रहेगा। इस तरह से हमें फिंगर को इन घेरों में डालना है और टू लेयर हमारे इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। फिर हमें इस लेयर को बाहर निकाल लेना है। अभी हमें फिर से फिंगर को इस घेरे के अंदर डालना है इस तरह से और लेयर को बाहर निकाल लेंगे। तो ये टू घेरे हमारे बन के रेडी हो गए। अब फिर से हम लेयर को इस दोनों घेरों में से बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। तो यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है और ये दूसरा वाला सर्किल भी हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो सेकंड सर्किल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमें इसी प्रोसेस के साथ इसको राउंड राउंड बनाते जाना है। तो टोटल हमारे थ्री सर्किल इसमें कंप्लीट हो गए हैं। इसी प्रोसेस के साथ हमें फोर्थ सर्किल भी कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इसको भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सिक्स सर्किल इसमें कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमें इसी तरह से राउंड राउंड इसको बना के रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारे टोटल एट सर्किल इसमें कंप्लीट हो गए हैं और इसी प्रोसेस के साथ आगे भी हमें इसको इसी तरह से कंटिन्यू करना है। तो इसी तरह से राउंड राउंड हमें इसको कंप्लीट करना है।
तो फ्रेंड्स हमारे टोटल 12 सर्किल इसमें कंप्लीट हो गए हैं और अभी हमें इसको करना है बंद। तो इसको बंद करने का प्रोसेस भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो घेरा है इसमें से हम इस लेयर को बाहर की साइड इस तरह से ओपन करेंगे और इस लेयर को हम कट कर देंगे और इसमें एक नॉट लगा लेंगे ऊपर इस तरह से और इसको हम अंदर इस तरह से और अंदर की साइड इसको हम फोल्ड कर देंगे और सुई और धागे की मदद से इसमें हम स्टिच लगा लेंगे। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने इसको बना के रेडी कर लिया है। तो इसी प्रोसेस से आप बिग साइज कारपेट भी इजिली घर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो